स्पेशल कनेक्शन है आपकी लाइफ में? थ्री इडियट में हमने देखा, नाउ अब यहाँ पर देख रहे हैं, तो कुछ बताना चाहेंगे आप इसके बारे में? बढ़िया, बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन है सर आपका. बट अब क्या करें, उम्र ही ऐसी है, जॉब की तलाश में ही लगा हुआ है बंदा सालों से. थ्री इडियट्स में जैसे आपने कहा और अभी यहाँ पे भी, उम्मीद है कि आने वाले समय में जॉब मिल जाएगी और आगे भी कुछ कर पाएंगे. बट जैसे मैंने पहले कहा कि ये कहानी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है. जॉब अनुकंपा बिकम्स अ जरिया टू टेल अ स्टोरी ऑफ अ फादर एंड अ सन विच इज टोल्ड इन सो मच डेप्थ एंड येट विद सो मच एंटरटेनिंग वैल्यू अटैच टू इट दैट इट मेक्स इट अ वेरी स्पेशल फिल्म. और ये मेरे जो बेटे हैं वो साहित्य में, हिंदी साहित्य में MA किया हुआ है, राइट? अंग्रेजी साहित्य में MA किया हुआ फिल्म के अंदर, और LIC के एजेंट की नौकरी कर रहे हैं. तो बहुत अच्छी तरह से श्यामन ने उस दुविधा के दौर को इतनी अच्छे, मैं जब देखता था, इस वजह से फिल्म में कहीं कहीं जो हल्का सा एक गाली का वो चलन था वो भी मैंने निकाल दिया सारा. मैंने कहा नहीं, जिस बच्चे की माँ शैशव अवस्था के अंदर ही चली गई है, इस पिता ने बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया है, नाराज होना बिल्कुल अलग बात है, गाली नहीं बकूंगा कभी नहीं बकी नहीं. तो बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया काम किया, बहुत इतना अच्छा लगा. और मुझे ऐसा लगता था कि सचमुच मेरा पुत्र है. How do you think that the movie will resonate with the viewers and film ka theater mein aana matlab aaj bhi wo bahut bada risk hai because personally I feel wo aani chahiye lekin this jo industry aaj hai hamari actually main aise ek panel discussion se aa raha hu jahan pe yahi discussion tha ki choti filmon ke liye kya ho jata hai ki choti filmon ke liye jo exposure dena hota hai audience tak pahunchane ke liye उसके पहले का जो हम लोग था कि छोटी फिल्म पे भी उतना ही लोड लगता है जितना एक बड़ी फिल्म पे लगता है रिलीज़ करने के लिए. सो कई बार विजडम का इस्तेमाल करना ज़्यादा ज़रूरी है. और मुझसे ज़्यादा मजे हुए लोग बिजनेस में, मैं फिल्म मेकर हूँ, अगर मुझे बिजनेस करना आता तो मैं पता नहीं क्या कर चुका होता. बट जो माहिर लोग हैं वो डिसाइड करते हैं, उनको पता है, बिकॉज उनको जो उन्होंने तो सोनी जी ने बड़े प्यार से बहुत अच्छी बात कही. जो टू टीयर थ्री टीयर सिटी में जो असली ऑडियंस बैठी है इस फिल्म की, जो समझती है अनुकंपा स्कीम, मुझे तो लगता है हालांकि जो शहर में पैदा हुआ उनको तो समझ में भी नहीं आती. तो जो टू टीयर थ्री टीयर सिटीज की जो ऑडियंस है जो इस फिल्म को समझती होगी, वहाँ पे सबसे ज़्यादा रीच किसका? एंड ऑफ द डे आपके सामने जब फिल्म बनाते हो तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो फिल्म का लॉस नहीं होना चाहिए, करेक्ट, दूसरा फिल्म उस तक पहुँचनी चाहिए जितने जितना ज़्यादा पहुँच सके, वो किस माध्यम से उतना ज़्यादा पहुँच पाए वो ज़रूरी है. और आपने जैसे एक ही बंदा का नाम लिया था, वो OTT पर रिलीज लेकिन किसी बड़ी हिट से कम नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा लोगों ने देखी, उसका फ़ायदा उस निर्देशक को भी मिला, प्रोड्यूसर को भी मिला, एक्टर को भी मिला, सबको मिला. तो वो कुछ चीज़ें जो हैं उन पर बेस्ड होती हैं. और कोई पॉइंट प्रूफ करने के चक्कर में मैंने तो खुद की ज़िंदगी के 7 साल गंवाए हैं. वो पॉइंट प्रूव करना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है, हम करके दिखा देते हैं, आई थिंक थोड़ा विजडम चाहिए होता है. तो जो लोगों ने डिसाइड किया वो बेहतर आपको बता ही पाएंगे, आप उनसे पूछिए. एक सवाल और है अनु जी एंड शर्मा ने तो खैर जिक्र कर दिया, बट आई थिंक इट्स मोर एप्लीकेबल टू अनु जी एंड अनुराग सर. ये फिल्म ऑब्वियसली बात करती है अबाउट हैविंग अ कन्वर्सेशन बिटवीन फादर एंड सन. तो अनु जी, ऑब्वियसली जब आपने अपना करियर जब सोचा था कि आप इस सिनेमा की मोह माया से जुड़ना चाहोगे, तो कुछ याद है कि आपने अपने परिवार वालों से क्या कहा और उनका क्या रिएक्शन था? सेम क्वेश्चन अगर अनुराग जी भी आंसर करना चाहे तो दैट वुड बी वेलकम. सर, मेरे पिताजी तो बहुत डिसअपॉइंटेड थे. वो तो बोल रहे थे कि IAS बनेगा, और फिर उन्होंने कहा था एक बार दूंगा जितने पैसे लेने लेके चले जाओ. मैंने बहुत ज्यादा पैसे हो गए, 5,000 मांग लिए थे, पता चला यहां पर कि वो नहीं होता. अनुज, आप अपना अनुभव बताएंगे? हाँ, इंसिडेंटली
आयरॉनिकली मैं मेरा कोई इंटेंशन नहीं था एक्टिंग या कला से जुड़ने का. उसके पीछे रीज़न ये था कि मेरे बाबूजी की एक नाटक नौटंकी कंपनी थी जिसकी वजह से हमारे परिवार को बहुत ही सामाजिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ा, जिसको सोशल ऑस्टिसाइजेशन बोलते हैं. सो माताजी कभी नहीं चाहती थी कि उनके कोई भी बच्चा या वो ये चाहती थी कि उनका बच्चा, हम तीन भाई हैं एक बहन है, कोई रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन में डॉक्टरी करें, इंजीनियर बने, आर्किटेक्ट बने, ऐसा जो समाज में जिसको रिस्पेक्ट दिया जाए. ये नौटंकी भांडपना इन सब चीज़ों के अंदर नहीं था. और इसी वजह से मेरी दादी ने मेरे पिताजी को निकाल भी दिया था, घर से निकाल दिया था. मेरे पिताजी कंपनी के नाटक नौटंकी कंपनी के मालिक थे, वो कुछ नहीं, ना राइटर थे, ना डायरेक्टर थे, ना सिंगर थे, ना एक्टर थे, उनका कुछ है. माताजी की वजह से और पिताजी की वजह से मेरा एकेडमिक करियर तो 93% का था. मैं तो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, आज भी लेना देना नहीं है. ये तो ये ऐसे लोग हैं जो थोड़े कदरदान जो है जो मुझे बुला लेते हैं और मैं इनके उसमें काम कर लेता हूँ. तो मैं किसी पैशन की वजह से नहीं आया, मजबूरी में पढ़ाई छूट गई मेरी, गरीब घर का बच्चा, पढ़ाई छूट गई, मैं आगे बढ़ नहीं पाया. आईएएस, आप भैया आईएएस ही करना था मुझे तो. अरे मैं कहाँ यार, आज तो चीफ सेक्रेटरी बन के रिटायर हो गया होता मैं, देशभक्त आदमी हूँ, मेरे को कहाँ यहाँ पर ये बोलते हैं एक्शन सर भागो आप, ये इंजन की हालत खराब हो गई. मैं तो चलते हुए इंजन के सामने ही भागा, मेरे को चल पे है तो कोई बात नहीं. आप पूछो इनसे, इंजन के सामने मैंने कहा ये हाथ पकड़ सर क्या कर रहे हो सर आप, ये कसर करके रहे हो आप, ना चल जाओगा देखा जाए. सो ये मेरी राम कहानी है. कोई पैशन नहीं था, मैं वो रेयर ब्रीड में 0.001% में हूँ जो मजबूरी में आए हैं. लेकिन अब मजबूरी में जब आ गए हैं और इस तरह के जो टैलेंटेड क्रिएटिव कलाकार प्रवृत्ति के लोग हैं वो मुझे काम दे देते हैं, तो मैं अनुग्रहित ही अनुभव कर सकता हूँ कि आपने मुझे काम दिया है. पर काम कर करके आप पूछ लीजिए कि मैं कभी पार्टी में गया हूँ इनकी, तो वो काम ख़त्म किया अपने कमरे में. सो, मेरे शौक़ जो है, ना मैं सिनेमा देखता हूँ, ना टीवी देखता हूँ. ये विनोद जी की तो ये पहली फिल्म ये थी, अभी दूसरी फिल्म भी आने वाली है, उसमें भी वैसे ही काम किया है. काम करते वक्त ईमानदार हैं, बाकी ठीक है. ये हैं, अपना सब चलाते हैं ना, बैटन सब ये हैं, ऐसे लोग बैठे हुए हैं. अब मजबूरी के अंदर इत्तफाक से इनकी पिक्चर की और इनकी पिक्चर करने के बाद एक पिक्चर ऐसी करनी पड़ी मुझे, उसके लिए भी आपसे मुलाकात होगी, अब जल्दी होने वाली है. जहां मजबूरी में मुझे म्यूजिक डायरेक्शन करना पड़ा, क्योंकि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर कह लेंगे गुरुजी हमारे तो आपने गाना रिजेक्ट कर दिया. एक विनोद जी की दूसरी फिल्म में यही हो गया. मैंने कहा विनोद जी ये क्या कर रहे हो, वहां से फोन आया कैंसिल कर दो शूटिंग आप. मैंने कहा विनोद जी क्या बात कर रहे हो यार, 50 तो यहाँ पे डांसर बैठे हुए हैं, 150 जूनियर आर्टिस्ट हैं, और आप मुझसे कह रहे हो कि गाना कैंसिल कर दो. कह रहे आपको पसंद नहीं आ रहा. मैंने कहा पसंद की बात नहीं, मैं मैनेज करूंगा. आप देखो मैंने सेट के ऊपर गाना मैनेज किया, गाना रिकॉर्डेड गाने को इस तरह से किया, तो अच्छे लोगों के साथ काम करके म्यूजिक सेंस ऐसा कर दिया कि जो बोल जो थे, लिरिक्स जो थे, एक्स थे, उनको करेक्ट करके वाई बनाया और वाई को रिकॉर्ड किया है. और बाकी 64 बीट्स का जो पता ही नहीं लग रहा था, अनमिक्स्ड कॉपी ये म्यूजिक डायरेक्टर भेज देते हैं, उसको मैंने बहुत लताड़ा भी. हमारे प्रोड्यूसर को, हमारे डायरेक्टर को, हमारे कोरियोग्राफर को मुश्किल हो जाती है यार, लिपसिंग करें तो क्या करें यार. तो फिर मैंने उसके अंदर अपना भी जोड़ दिया. तो एक फिल्म जो इनके अभी इसी साल की, उसमें मजबूरन मुझे म्यूजिक कंपोज करना पड़ा. एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार. एक तो ऐसा हुआ भैया कि वो कह लेगा गुरुजी अब तो ये जो अब आपके ऊपर ही पिक्चराइज है तीनों, और अब वो तो कोरियोग्राफर तो आ नहीं पाई, उसकी डेट नहीं, तो कोरियोग्राफी भी कर दो. मैंने कहा वो भी कर देंगे. तो वो भी कर दी. क्या करे, मजबूरी. तो इस तरह से इन लोगों का बड़ा बड़ा शुक्रगुजार हूँ, बहुत मशकूर हूँ कि ये अभी भी मुझे प्यार देते हैं, मुझे इज्जत दे देते हैं. बड़ी मेहरबानी और शुक्रिया. जो मुलाजमा है
वहाँ का खेल है। अभी आपने जब सवाल पूछा था हमारे एंकर ने भाई से, हमारे बेटे से पूछा सवाल, तो गुजराती हैं ये, गुजराती और महाराष्ट्रियन के अंदर एक बेसिक फर्क है। मराठी आदमी अपनी बेटी की शादी, लड़का क्या करता है, बिजनेस है, नहीं 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 नौकरी कहाँ है, नौकरी कौन सी है, वो नौकरी ओरिएंटेड है। गुजराती आदमी लड़का क्या करता है, नौकरी करता है, नौकरी नहीं बिजनेस चूचे ये फर्क है दोनों के अंदर। तो ये अभी भी सरकारी नौकरी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। इवन अमेरिका में हमारे व्यास जी हैं, वो अब तो रिटायर हो जाएगा 2-3 साल के बाद, बट हिज जॉब इज रिलेटेड विद फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट का काम हो गया तो हो गया, खत्म हो गया। आज भी हमारे सब प्रोड्यूसर बैठे हुए हैं, मैं इनको बोलूं विनोद जी को कि विनोद जी एक फिल्म बनानी है और दूसरा ऑप्शन है 130 एपिसोड दूरदर्शन के मिल रहे हैं, और अगर ये फिल्म बनाने भागेंगे मैं कहूंगा विनोद जी क्या करो, इतने बड़े बिजनेसमैन हो, 130 करो अपने 130 एपिसोड दूरदर्शन के, भैया वो सेफ है पैसा आपका, गवर्नमेंट का पैसा सेफ है। सोनी साहब गवर्नमेंट का पैसा सेफ है, एक बार हो गया। तो मुझे लगता है कि हमारा लवली टू सी के यूजुअली प्रोमो में कुछ बिल्कुल क्लियर कट है प्रोमो, डिफरेंट फिल्म दैट वाज ऑन हीरोज वार इंडिया के हीरोज, मतलब वहाँ पे वो पिक्चर करने का मकसद कुछ और था। जैसे मैंने ये कहा कि ये रिश्ता जो है ना फादर और सन का, उसके ऊपर की कहानी थी, तो वो हम लोग को बहुत छुई थी। आई एम वेरी क्लोज टू माई डैड, नॉट दैट दिस इज माई स्टोरी, बट द आइडिया वॉज दैट यू नो कि ये रिश्ते को समझने के लिए जब इसमें मुझे अभिनव ने बताया कि ये बेटा कैसे बोलेगा अपने फादर को कि आप मर जाओ, और वो फादर ने बोला हाँ ठीक है, तो इट वाज अ बिग थिंग। अब इसको इस पिक्चर में जब आप देखोगे तो रोना भी आएगा, अरे ऐसा लाइफ में एक नौकरी के लिए जो एक लाइन लिखी है यहाँ पे कि बाप के बदले नौकरी और नौकरी के बदले बाप, ये बहुत बड़ी लाइन है, यू नो कि इस तरीके से कोई जी भी सकता है। आई थिंक ये कैरेक्टर्स निभाया इन दोनों ने, दोनों एक्टर्स ने जो कैरेक्टर्स निभाए हैं बिकॉज स्टोरी में लिखा है, इसको देख के आपको लगेगा कि क्या फिल्म है। आई थिंक दैट वाज द जो हमारा हमें जो ये फिल्म में लगा कि ये कहानी इसके लिए कहनी चाहिए, इट इज़ देयर एंड वन शुड ऑलवेज बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट द रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप निभाने के लिए विनोद जी 149 करोड़ आए, यही 149 जी सर। हेलो, आखिरी सवाल आप। हेलो सर, आई एम रमेश राव फ्रॉम द डेली ट्रूथ इंग्लिश न्यूज़पेपर। कांग्रेचुलेशन टू द लिखे गए होंगे कि वो क्या बात करेंगे, और खासतौर से मरने को लेकर, कि मैं थोड़ा सा इस इलैबोरेट भी कर रहा हूँ और समझना भी उसी तरीके से चाहता हूँ कि इसको लिखा और एक्ट कैसे किया गया है, कितना चैलेंजिंग था। वही तो खास चीज है, मतलब इस तरह के सब्जेक्ट को जिस तरह से उन्होंने लिखा और बनाया है अभिनव ने, वही तो हम लोग को छू गया था, मतलब सब्जेक्ट ने तो अभी तक कोई ना कोई पकड़ चुका होता। और ये प्रोमो अपने आप में कथन पूरा पूरा कम्युनिकेट करता है, पूरा पूरा। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को अब कुछ बहुत ज़्यादा, अगर बर्ट्रांड रसल बन के अगर बैठेगा यहाँ पर तो बिल्कुल अलग बात होगी, इसको समझ में नहीं आएगा।